हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जे टू एम चैनल पे। आज की जो बात करेंगे बेसिकली सीएसएस स्कीम और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज स्कीम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। जिन बच्चों का इस प्रकार का स्टेटस अटक चुका है, एप्लीकेशन वेरीफाइड स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर, आधार कार्ड वेरीफाइड आपका ऑटोमेटिक हो जाए जिन्होंने आधार कार्ड दिया है, उसके बाद ये स्टेटस यहाँ पे अटक चुका है। आप में से काफी सारे भाई बंधु है जो 2-3 महीने हो चुके हैं स्टेटस अटक चुका है, इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका कब तक नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा सीएसई स्कीम का। सीएसई स्कीम में बच्चों का एक डाउट बड़ा है, सर इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा नहीं बनेगा ये बताइए। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वालों को पैसा थोड़ा कम मिलता है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम स्टार्टिंग में आएगा तो क्या रुपया ज्यादा मिलेगा, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नीचे आएगा क्या रुपया कम मिलेगा। जितने भी आपकी स्कीम है उस सब में सुन लीजिए आप, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी स्कीम वाइज भी। तो वीडियो कंप्लीट देखना, मेरिट लिस्ट के बारे में रुपया कितना मिलेगा, ठीक है? तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिए, बड़ा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर टेलीग्राम पे नए हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स पे पिन मिल जाएगा। अच्छी अच्छी वीडियो में डालता रहता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीएसए स्कीम का, उसके बाद करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का। तो सीएसए स्कीम में कुछ बच्चों का इस प्रकार स्टेटस दिखा रहा है, स्टेटस सबका सेम रहता है, फ्रेश वालों का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देख लीजिए। चाहे सीएसएस है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, बच्चों का सीएसए स्कीम ये डाउट है, सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट जो ये लिखा हुआ है इसमें अभी ब्लैंक है। इससे पहले क्या हुआ करता था कि फ्रेंड्स, इसमें पहले नो हुआ करता था, जैसे आपका मेरिट में सिलेक्शन होता था आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे यस आ जाता था, ठीक है? लेकिन सीएसए स्कीम में और बाकी जितने भी स्कीम में इस बार बदल दिया गया सिस्टम, इसको हमेशा ब्लैंक रखा जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यस आ जाएगा, अगर नहीं होता है तो आपका यहाँ पे नो आ जाएगा। तो सीएसए स्कीम वालों की सबसे बड़ी यहाँ पे जो लूप फॉर मैं कहूंगा, यहाँ पे बच्चों के मन में एक डाउट बैठ चुका है कि सर हमारे सीएसए स्कीम में भी मेरिट लिस्ट बनेगा, तो बनेगा तो सर कैसे बनेगा? तो जी मैं आपको बताता हूँ साफ साफ क्लियर कट टू कट बताता हूँ, सीएसए स्कीम में कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। जी हाँ, डायरेक्ट आंसर है, कट टू कट बता रहा हूँ, सीएसए स्कीम में कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सीएसए स्कीम में ऑलरेडी मेरिट बना हुआ रहता है। जी हाँ, मेरिट कौन बनाता है? जैसे आप क्लास 12 पास आउट होते हैं तो स्टेट बोर्ड जो होता है आपका, वो आपकी मेरिट निकालती है किसके लिए? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सीएसए स्कीम के लिए, ठीक है? एमएचआरडी के लिए। अगर आपका उसमें नाम आ गया, इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर दिए, आपका स्कीम भी शो हो रहा है, अब आपका वेरिफिकेशन भी चल रहा है, वेरिफिकेशन खत्म हो चुका है, आपको ये वाला जो प्रोसेस है एनएसपी मेरिट लिस्ट वाला जो प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिक आपका मार्च के महीने में समथिंग, जितना मैंने इतिहास उठा के देख लीजिएगा, मेरे बातों पर विश्वास मत कीजिएगा, इतिहास उठा के देख लीजिएगा कि मार्च के महीने में ये ऑटोमेटिक आपका यस हो जाता है। जिनका जिन भाइयों का मेरिट लिस्ट बनता है उनका भी यस हो जाता है, जिनका नहीं बनता मेरिट लिस्ट उनका भी यहाँ पे यस हो जाता है, ठीक है? खासकर मैं सीएसए की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन डुप्लीकेट बाय सिस्टम चेक होता है, ये यस आ गया तो आपका मेरिट लिस्ट में यस हो नहीं हो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है ये चीज का। अब उसके बाद फिर आपका एनएसपी टू पीएफएस हो जाता है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के केस में क्या होगा, जितने भी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हो गया और जितने भी स्कीम है एनएमएमएस हो गया, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक एमसीएम में सब स्कीम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो उन सब में मेरिट लिस्ट बनता है, उन सब में क्या बनेगा, मेरिट का खेल रहेगा, मेरिट का खेला होगा। अब मेरिट का खेला में भी क्या होगा कि जिस बच्चों का नाम सबसे ऊपर आएगा उसको ज्यादा मिलेगा, जिस बच्चों का नीचे नाम आएगा उसको कम मिलेगा। ये एनएसपी ने सबसे बड़ा खेला किया है, अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा क्योंकि प्रूफ सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। मैं आपको नाम तो नहीं दिखा सकता क्योंकि गाइडलाइंस के खिलाफ, अगर आप नाम भी देखना चाहते हैं, पूरा पीडीएफ आप देखना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पूरा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? अभी समझिए इस चीज को, अभी यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ा खेला ये हुआ, देखिए बता रहा हूँ आपको कि ये देख लीजिए। सबसे पहले 12th का बच्चा है 12वीं क्लास का, इसको मिले कितने, 2300 रुपए, ठीक है? उसके बाद 11th का बच्चा है, इसको मिले कितने, 9020 रुपए, ठीक है? अब समझिएगा एक चीज। उसके बाद ये 11th का बच्चा, इसको कितने मिले, 9300 रुपया। क्यों भाई, ये 11th का बच्चा, इसको 9020 मिले, ये बच्चा है 11th का, इसको कितने मिले, 9300 रुपया मिला। क्यों मिला देख लीजिए आप, डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक और डिफरेंस समझते हैं, जरा देख लो नीचे थोड़ा सा आते हैं, हम नीचे आ गए यहाँ पे 12th का बच्चा, देखो ये 12th का बच्चा है, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दे, 12th का बच्चा है, इसको मिले 9300 रुपया, ठीक है? और ये 12th का बच्चा है, इसको मिले भी 9300 बराबर मिला है। और बैचलर ऑफ आर्ट्स आप देख सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स को इसको मिला 6000 रुपया और मास्टर ऑफ आर्ट्स को इसको मिला 6000 46 35 रुपए, ठीक है? तो आप खुद ही डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पे,
मतलब 11 12th में डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे खुद देख लीजिए आप, खुद आपको नजर आना चाहिए। 12th आर्ट्स में 2300 मिल रहा है, 12th आर्ट में 4450 रुपए मिल रहा है, ठीक है। दोनों कास्ट सेम ही दिख रहे, 12th आर्ट्स ये सेम, ये 12th आर्ट्स ये सेम, इसको मिला 2300, इसको मिला 12th आर्ट्स में 4450 रुपए। तो ये खेला हुआ है एनएसपी मेरिट लिस्ट में। तो ये खेला होता है कि पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनोरिटी अफेयर्स में जो पैसा है वो कम मिलता है, और कम इसलिए मिलता है क्योंकि कम फंड रहता है। उसके बाद क्या होता है कि मेरिट लिस्ट में जिसका नाम सबसे पहले आएगा उसको ज्यादा मिलेगा, जिसको जिसका नाम लास्ट ला धीरे धीरे नीचे आता रहेगा उसको स्कॉलरशिप कम मिले, ठीक है। ऐसा हमें देखने को मिला है, पिछले साल का रिकॉर्ड हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसा देखने को मिला है। अब इस बार क्या रहता है वो हम बताएंगे आपको, जिस बार का जब कट ऑफ आ जाए, ठीक है।